कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप का रील्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप भी इस प्रकार से बनाइए। तो कैसे बनेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी अगली जो वीडियो आने वाली है आपको नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको कैपकट ऐप की आवश्यकता होगी, तो ये आपको मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले एक VPN को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप सिंपली पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो कोई भी VPN आपको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कनेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये जो है VPN स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलेगा, तो ऊपर जो यहाँ पे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद फिर बैक आएंगे, फिर उसी ऐप को यहाँ पे ओपन करेंगे, कैपकट ऐप को। तो ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है, जिस वीडियो को आपको यहाँ पर एडिट करना है। तो सिंपली मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का एक वीडियो आपको शूट कर लेना है। अब ये जो कपकट वाला यहाँ पे ये आ रहा है लोगो, इसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे आएंगे, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। फिर आपको यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको हम पहले ब्लर वाला जो है इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, और इसकी जो है लेंथ को हम पूरा फुल कर देंगे जहाँ तक इसका वीडियो है। फिर वीडियो इफेक्ट वाले दोबारा आएंगे, फिर यहाँ पे हम आएंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे निचले वाला जो है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर हम इसको राइट कर देंगे, फिर इसकी भी जो लेंथ है इसको हम पूरा फुल कर देंगे। तो फुल करने के बाद, अब इतना होने के बाद इसको हम सिंपली अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। तो ये जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर दोबारा एक और वीडियो एडिट करेंगे, तो पहले इसको सेव करने के बाद, फिर हम यहाँ पे इसको डन करने के बाद फिर उसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, और उसी वीडियो पे क्लिक करने के बाद फिर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब ये जो ब्लर वाला है इसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे, और ये इसको भी हम डिलीट कर देंगे। फिर बैक आएंगे, फिर यहाँ पे ओवरले वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, और जिस वीडियो को आपने गैलरी में सेव किया था उस वीडियो को हम सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसकी जो है फुल साइज रख लेंगे, इसको थोड़ा जूम करिएगा, इसको अपना फुल साइज रख लीजिएगा। फिर उसी इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आएंगे, ओवरले वाले ऑप्शन पर आपको आना पड़ेगा। फिर उसी वीडियो को यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आइएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे हार्ड वाला जो है उस पर क्लिक करने के बाद इसकी थोड़ी जो है ओपेसिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा, अपने वीडियो के हिसाब से रखिएगा। फिर इसको हम इसको राइट कर देंगे। तो मैं एक बार इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, आगे भी अभी और कुछ भी करना है तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए कुछ चेंजिंग हुआ है। तो इतना होने के बाद फिर इसको हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद अब आपको इंस्टाग्राम ऐप पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम एक फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे, तो अब उस वीडियो को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर आपको एक यहाँ पर फिल्टर देखने को मिलेगा, तो ये वाला फ़िल्टर जो है। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया, पूरा HD है, आपको यहाँ पे ढेर सारा मिलेगा लेकिन ये वाला जो है आपको मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे इसको डन कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप वीडियो बनाइए। तो पहले आप इसका जो है यहाँ पे आप इसकी शॉट ले सकते हैं, इस ऐप का मतलब इस फिल्टर का जो नाम है, आप इसका यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेकर यहाँ पर सर्च करिएगा तो ये फ़िल्टर आ जाएगा। तो ये नीचे देखिए यही फ़िल्टर है। फिर इसको हम डन करके तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। तो चलिए वीडियो अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।